हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट और एक्सेल शीट को लेकर के बना रहा हूँ। और आज के वीडियो में खास क्या है, देखिए अगर आप गूगल शीट ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो नेम लिख रखा है मैंने, मैं इसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये जो नेम लिखा है मैंने, अब आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ स्प्लिट का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये स्प्लिट यूज किया, ठीक है। अब देखिए सूरज कुमार तिवारी, ये तीनों अलग अलग कॉलम्स में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए ये फॉर्मूला लगाइए, कॉमा दीजिए, अब इसको स्पेस से सेपरेट करेंगे हम, तो ये स्पेस लगा करके एंटर कर दीजिए। देखिए तीनों अलग अलग कॉलम्स में हो गया कि नहीं। अब अगर एक्सेल में आते हैं, एक्सेल में आ गए, चलिए ये देखते हैं स्प्लिट नाम का कोई फॉर्मूला है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा, अब ये 2019 यूज कर रहा हूं मैं, ये स्प्लिट लगाया मैंने कुछ इस तरीके से, लगा के दिखाता हूँ फिर से, SPLIT स्प्लिट है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, अगर होगा तब तो आएगा। तो यहाँ पर कोई भी स्प्लिट फॉर्मूला नहीं मिलता है, तो ये भी एक फीचर है जो गूगल शीट को खास बनाती है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से यूज करेंगे आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।